बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। द फ्रीडम टीवी से आपका मेज़बान एतज़ाज़ इब्राहिम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सैलाब के बाइस जो आधा मुल्क है इस वक्त डूब चुका है, जनूबी पंजाब, केपी के, सिंध बलोचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब की तबाह कारियों के बाइस सैकड़ों इंसानी जानों का जो है ज़ाया हो चुका है। इसके अलावा लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, माल मवेशी बह चुके हैं, अरबों रुपये का जो है नुकसान हो चुका है। सैलाब के बाइस जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी के लिए जो हुकूमत है वो भी इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है, रिलीफ पैकेजेस दे रही है, इमदाद कर रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की इमदाद कर रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए एनजीओ सेक्टर की, मुहैया हजरात की, वो भी अपनी इस्ताद के मुताबिक जो है फ्लड रिलीफ के हवाले से जो है मुख्तलिफ तरह की जो है पैकेजेस जो है वो दे रहे हैं सैलाब मुतासरीन को। इस वक्त हम रिज़क के एनजीओ के फूड हब में मौजूद हैं जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए राशन जो है वो पैक किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ रिज़क एनजीओ के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा रिज़क के हवाले से, सबसे पहले एनजीओ के हवाले से बताइए। रिज़क ट्रस्ट है जो 3 लम्स के स्टूडेंट ने स्टार्ट की थी, हुज़ैफ़ा, मूसा और कासिम। तो ये एक बेसिकली ह्यूमन पावर्ड और यूथ पावर्ड ट्रस्ट है। जो सैलाब के लिए अभी तक क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की हैं? सैलाब जदगान के लिए जिस दिन से सैलाब आया उस दिन से लेके आज तक हम डेली जो है 500 राशन यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, जो इंटीरियर पंजाब, जो रुझान और राजनपुर वाली साइड है, इंटीरियर सिंध और केपीके वाली साइड पे हम डेली 500 राशन जो डिस्पैच कर रहे हैं। उसके साथ हमने इंटीरियर पंजाब में रुझान के पास हमने एक टेंट सिटी भी बनाया हुआ है जहाँ पे डेली लोगों को फ्रेश खाना हम दे रहे हैं और वहाँ पे लोगों की रहाइश का हमने बंदोबस्त किया हुआ। अच्छा, अभी तक कितने पैकेजेस आप डिलीवर कर चुके हैं? आज की तारीख तक यहाँ से 5000 प्लस राशन जो है हम डिस्पैच कर चुके हैं। और अभी आप कोई इमदादी रकूम भी तकसीम कर रहे हैं रिज़क के प्लेटफॉर्म से? इमदादी रकूम नहीं है, हम सिर्फ उनका जो है वहाँ पर रहाइश, कपड़े और राशन के लिए जो है हम ये तीन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पंजाब के जो जनूबी पंजाब के इलाके जहाँ पर सैलाब, वहाँ पर कर रहे हैं या बाकी भी पाकिस्तान? इंटीरियर सिंध में भी और बलोचिस्तान में भी हम, और इंटीरियर पंजाब, राजनपुर और रुझान, यहाँ केपीके भी इलाकों में? नहीं, केपीके में नहीं है, बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब है। और बाकी जो सैलाब के हवाले से राशन के अलावा कोई टेंट सिटी भी आप कह रहे हैं? जी, वहाँ पर रुझान में हमारा टेंट सिटी है जो हमने उधर बनाया हुआ है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 120 प्लस टेंट्स पे वो है टेंट सिटी हमारा, जहाँ पर हम रोज़ लोगों को फ्रेश खाना और उनकी रहाइश का बंदोबस्त किया हुआ है हमने। अच्छा, ये जो राशन पैकेज आप बना रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें पहले तो है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास मॉस्किटो नेट्स हैं। उसके बाद खजूरें हैं, चीनी है, चावल है, घी है, और जो है हमारे पास आटा है। तो इन 5 से 7 चीज़ों पे हमारा जो राशन पैकेट है वो बेस करता। तो मेरे साथ एक फीमेल वॉलंटियर भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वजीह आजम। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। कौन से कॉलेज? लाहौर कॉलेज। अच्छा, यहाँ पर आने का क्या मकसद है, आप यहाँ पर आकर अपना टाइम? मेरे ख्याल से कि जो वक्त इस टाइम आया हुआ है, इस टाइम हम सबकी ज़िम्मेदारी है एज ए यूथ एज़ वेल कि हम लोग मेहनत कर सकें और जितना हो सके सैलाब जदगान की मदद कर सकें। तो अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आते? ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ता हो गया, क्या क्या अभी यहाँ पर आप? हमने यहाँ पर राशन पैक किए, हमने कपड़े पैक किए और कोशिश की है कि हम अपना पार्ट प्ले कर सकें उनकी मदद में। तो यहाँ पर आप कितना टाइम यहाँ पर दे रही हैं? हम लोग रोज़ के स्कूल और कॉलेज से वापस आके 2-3 घंटे यहाँ पर गुजारते हैं और जितना हो सकता है। तो ये सारी सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए वॉलंटियर ही दे रहे हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।